Hello and welcome everybody to our channel Myra Study Point. Today we come up with a new story, Fritz, written by Satyajit Ray, which is taken from your book ISC collection of short stories. In this video we will give you the complete explanation of your chapter, like this Fritz, and the written summary of this story is also covered in this video. Okay, so let's get started. Satyajit Ray. As this story is written by Satyajit Ray, you should know कि Satyajit Ray की stories में आपको क्या देखने को मिलता है. Satyajit Ray की stories में आपको basically thriller, suspense, horror ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. Okay, so इससे आपको ये तो idea हो गया होगा हम इस story में क्या पढ़ने वाले हैं, right? इस story में हमको थोड़ा सा thriller, suspense, horror सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. And last में भी readers कन्फ्यूज रहेंगे, लाइक ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है तो आपको इसमें फुली एंड तो नहीं दिया हुआ है कि लास्ट में एक्चुअली होता क्या है या फिर क्यों होता है. ये सब रीडर्स पे छोड़ दिया गया है, वो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इसमें स्टोरी की बिगनिंग में क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं जो मेन करेक्टर होते हैं स्टोरी का, शंकर एंड जयंतो. तो बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में शंकर और जयंतो के बीच एक कन्वर्सेशन चल रही होती है, ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं. और ये दोनों होते कहाँ हैं, ये दोनों एक सर्किट हाउस में होते हैं. सर्किट हाउस बेसिकली एक डाक बंगलो है, ठीक है, जिसमें जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए शॉर्ट स्टेज के लिए रुकते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, एक सर्किट हाउस में ही रुकते हैं जो कि एक डाक बंगलो है. और ये डाक बंगलो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये बूंदी में है, ठीक है. कौन सा टाउन है, बूंदी, जो राजस्थान में है. तो जो शंकर है और जयंतो है ये ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, ठीक है. और बहुत सारी कोशिशों के बाद ये फाइनली मैनेज करते हैं बूंदी आना. इनको बूंदी आना था तो ये फाइनली अपना प्लान करते हैं बूंदी आने के लिए, जिससे कि वो वहाँ को बहुत मतलब बूंदी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ पर प्लेसेस देख सकें, अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकें. तो ये बूंदी विज़िट करते हैं, ठीक है. तो जब सर्किट हाउस में लाइक वो बिग बंगलो में जब वो दोनों टी सिप कर रहे होते हैं तो जयंतो के ना मन में कुछ थॉट्स आते हैं, पुराने थॉट्स आ रहे होते हैं. और जब शंकर उससे पूछता है जयंतो से कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो फिर क्या होता है, जो जयंतो है ना वो उसको बताता है कि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट विजिट करी थी बूंदी में तो वही सारी मेमोरीज मेरी माइंड में रश हो रही हैं कि मैंने क्या क्या विजिट किया था, वो सारी चीज़ें, वो सारे मूवमेंट्स, वो सारी मेमोरीज बस वही माइंड में आ रही है, मैं वही सब सोच रहा हूँ, ठीक है. सो इसके बाद जो शंकर था ना वो पहले तो थोड़ा पजल था कि जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट कहाँ रहता है, लाइक अगर कोई राजस्थान आएगा तो वो क्या प्रेफर करेगा विजिट करने के लिए, उदयपुर विजिट करेगा, जयपुर विजिट करेगा, चित्तौड़ विजिट करेगा. बट जो जयंतो है उसको बूंदी विजिट करना था, ऐसा क्यों, तो वो थोड़ा पजल्ड हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है. बट पर्सनली उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था बूंदी विजिट करने में, क्योंकि उसने टैगोर की पोएम्स में बूंदी के बारे में बहुत सुना है. और यहाँ पे एक फोर्ट है, द फोर्ट ऑफ बूंदी, ठीक है, जिसका नेम उसने बहुत सुना है, उसको देखा है. बट उसको ये जो फोर्ट ऑफ बूंदी था ना वो रियल में देखना था, पर्सनली देखना था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था उसको देखने के लिए, ठीक है. अच्छा, क्या होता है जब शंकर और जयंतो जब बूंदी आ रहे होते हैं ना, अपनी ट्रेन से आते हैं वो बूंदी, तो जब वो ट्रेन जर्नी कर रहे होते हैं बूंदी आते हैं, तो शंकर को तभी पता चल जाता है कि जयंतो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है बूंदी जाने में, ठीक है. वो जयंतो जब इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि उसको कहीं नहीं जाना, उसको सिर्फ बूंदी घूम के आना है, बूंदी विजिट करना है. तो शंकर उससे पूछ लेता है वहीं पे ट्रेन में ही कि तुम्हें बूंदी क्यों विजिट करना है, इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जयपुर में, बट बूंदी ही क्यों. तो फिर तब उसको पता चलता है, जयंतो बताता है कि जो जयंतो के फादर थे अनिमेश दास गुप्ता, वो वर्क करते थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में. और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वर्क करने का मतलब वो बहुत बार राजस्थान में आया करते थे काम से अपने, बहुत बार राजस्थान वो आ चुके हैं. तो जयंतो जब चाइल्ड था, बच्चा था, वो भी जो बूंदी था वो भी बूंदी आया था, ठीक है. तो उस प्लेस की बहुत सारी मेमोरीज उसके माइंड में अभी भी हैं जो अभी तक बिल्कुल भी फेड नहीं हुई हैं. और उसका ये बहुत मन था कि वो बड़े होके जब वो ग्रोन अप हो जाए तो वो फिर से बूंदी आए और देखे वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या न्यू चेंज हुए हैं, वो पूरा उसको एक्सप्लोर करना चाहता था अगेन, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इसमें दोनों फ्रेंड्स का नेचर बता रखा है. जो जयंतो है वो बहुत ही एक इमोशनल पर्सन है, जो बिल्कुल इमोशनल है, इमोशनल बातें करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक इमोशनल पर्सन है. एंड ऑन द अदर हैंड शंकर बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन है,
वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, एकदम रियलिस्टिक है। ओके सो जब वो दोनों बूंदी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे जिस प्लेस पे वो स्टे कर रहे होते हैं वो आसपास देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही है, रोज प्लांट्स बाहर हैं, टॉल टॉल रूम्स हैं, मतलब सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि वो फोर्ट ऑफ बूंदी को देखने जाएंगे, वो वहाँ पे जाएंगे जो एकदम हिल्स के बीचों बीच है। ठीक है, फिर जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो फोर्ट है वो बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, एंटिकिटीज़ ऑफ राजपूतन एरा। ठीक है, सब कुछ वो डिस्प्ले करते हैं, बस एक चीज़ नहीं थी वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिकल पोल्स जो कि न्यू जनरेशन का एक सिंबल था। ठीक है, द गोल्डन एज ऑफ राजपूतना क्राफ्ट्समैनशिप अपीयर्ड टू हैव कम अलाइव। जब वो देखते हैं ना तो उनको क्या फील होता है वहाँ पे वो देखने से, जैसे कि गोल्डन एज ऑफ राजपूतना क्राफ्ट्समैनशिप उनके सामने आ गई है, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसी ही उनको वाइब्स देते हैं। आफ्टर दिस देन वो जब सर्किट हाउस में जाते हैं तो फिर जो जानतो था ना वो ऐसे ही देखता है कि कितने बड़े बड़े रूम्स हैं एंड ओवर साइज चेयर्स, क्योंकि जब वो बच्चा था तब तो वो चेयर्स पर वो उसको बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स थी और वो बच्चा था तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहता था, वो देखता है कि तो बहुत ओवर साइज चेयर्स थी और अब तो एकदम छोटी छोटी फील हो रही हैं। तो शंकर क्या बोलता है, हाँ बिकॉज जब तुम यहाँ पे पहले आए थे तब तुम एक स्मॉल किड थे और अब तुम एक ग्रोन अप हो। राइट, फिर क्या होता है, वो दोनों टी लेते हैं और फिर उसके बाद गार्डन में ऐसे ही घूमने टहलने चले जाते हैं। जैसे ही वो गार्डन में टहल रहे होते हैं ना तो जयंतु को ना एकदम से मेमोरी आती है दियोदर ट्री की। वो क्या सोचने लगता है, दियोदर ट्री के बारे में सोचने लगता है, जो पहले जब वो बूंदी आया था जो यहाँ पे गार्डन में एक ट्री हुआ करता था दियोदर ट्री। ठीक है, तो वो क्या करता है उस ट्री को देखता है, जब उसको दिखता है ना ट्री दियोदर ट्री तो वो उसकी टी के ट्रंक को देखता है जैसे कि वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हो। ओके, तो फिर क्या होता है, वो ना अपना पूरा पहले का इंसिडेंट याद करने लगता है, एक डॉल का नेम जिसका फ्रिट्ज था उसका पूरा इंसिडेंट याद करने लगता है। तो और वो शंकर को बताता है कि मेरे पास एक डॉल थी फ्रिट्ज, ठीक है, जो उसके अंकल ने, जानतो के अंकल उसके लिए स्विट्ज़रलैंड से लाए थे। ठीक है, वो बहुत लंबी डॉल थी, इट वॉज़ अ फुट लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन। वो एक ओल्ड मैन जैसी डॉल थी, ओल्ड मैन की फिगर जैसी डॉल थी वो, जिसने ट्रेडिशनल स्विस क्लोथिंग पहन रखी थी। कैसे डिज़ाइन हो रखी थी उस ट्रेडिशनल स्विस क्लोथिंग में, वो उसने पहन रखा था, अपने आप को डिज़ाइन कर रखा था। इट वोर अ स्विस कैप, उसने एक स्विस कैप लगा रखी थी और येलो फेदर कहाँ से निकल रहे थे, उसके बाहर निकल रहे थे, येलो फेदर स्टिकिंग आउट फ्रॉम इट, वो कैप में से येलो फेदर निकल रहा था। ठीक है, उसने बेल्ट भी लगा रखी थी, इट वोर इट ऑल्सो वोर अ बेल्ट। ठीक है, बटन्स उसने पुट कर रखे थे, उसकी जो ड्रेस थी उसमें पॉकेट्स थे, कॉलर्स थे, सॉक्स पहन रखी थी। ठीक है, और शूज़ में बकल्स भी थे। ठीक है, वो बताता है बेसिकली जो फ्रिज थी ना, फ्रिज उसकी डॉल का नेम है, वो एक लाइफ लाइक मतलब एकदम रियल डॉल लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो डॉल है, ऐसा लग रहा था वो एक रियल थिंग है। उसके फेस पर एक स्माइल रहती थी और वो उसको कभी कैसे भी ट्विस्ट एंड टर्न बेंट कैसे भी करता रहता था। फिर जयंतु बताता है शंकर को कि उसको कितना मज़ा आता था फ्रिज के साथ खेलने में, एंड इवन उसको तो तब स्कूल भी मतलब जिम जाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो अपना पूरा टाइम फ्रिज के साथ एक्सपेंड करता था, जबकि उसके पेरेंट्स उसको वॉर्न भी करते थे कि इतना ओवरडू थिंग्स नहीं करनी चाहिए डॉल के साथ, लाइक इतना ज़्यादा तुम्हें डॉल के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ प्ले करता था। ठीक है, शंकर बहुत इंटरेस्ट के साथ जयंतु की पूरी स्टोरी सुन रहा था। फिर उसने जयंतु से क्वेश्चन करा कि उस डॉल को फिर क्या हुआ, वो कहाँ है। तो फिर जयंतु ने एक शॉकिंग ट्रेजेडी बताई कि फ्रिज के साथ बूंदी में क्या हुआ था। ठीक है, तो उसने बताया कि जब वो फ्रिज के साथ खेल रहा था किसी ओकेजन पर तो क्या हुआ, उसने ना खेलते खेलते फ्रिज के साथ अपने ऊपर टी गिरा ली थी, गरम गरम चाय गिरा ली थी। ठीक है, तो जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी अंदर जाके चेंज करने थे उसको क्लोथ्स, उसको अंदर जल्दी जाने की थी क्योंकि उसको क्लोथ्स चेंज करने थे, तो वो ना जयंतु ने गलती से फ्रिज को फ्लोर पर ही छोड़ दिया। अब उसने फ्लोर पे छोड़ के वो अंदर चला गया था और जब वो वापस आया उसने देखा कि कुछ स्ट्रे डॉग्स ने फ्रिज का फेस एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, उसको बहुत 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 बुरा लगा था और उसने क्या जयंतु ने क्या एज्यूम करा था कि जो फ्रिज है वो डेड हो चुका है, भले ही वो डॉल थी लेकिन उसको ऐसा लग रहा था तो मर चुकी है, उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसको डॉल के साथ अटैचमेंट ही बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक लिविंग बीइंग का फ्यूनरल होता है वैसे ही जयंतु ने डिसाइड किया वो फ्रिज का फ्यूनरल करेगा। ठीक है, तो वो उसको एक कॉफिन में बरी करना चाहता था क्योंकि वो एक यूरोपियन डॉल थी, बट जयंतु उसके लिए इतना अरेंजमेंट्स नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, एक दियोदर ट्री के नीचे ही उसको
बरेट कर दिया, इसलिए वो बताता है कि वो इसलिए सुबह देवदार ट्री को सर्च कर रहा था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब ये कन्वर्सेशन ओवर होती है, जो शंकर होता है और जयंतो होता है वो सोने चले जाते हैं रात को 10 बजे के आसपास। ठीक है, बट शंकर क्या होता है, शंकर ने एकदम से उस कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है और वो एकदम से उठ जाता है। ठीक है, शंकर एकदम से उठ जाता है और वो देखता है कि जो जयंतो है वो तो उठा हुआ बैठा है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और परेशान लग रहा है, उसके फेस पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। ये देख के शंकर पूछता है जयंतो से कि क्या हुआ है, तो जयंतो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है और उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या इस बंगलों में रैट्स या कैट्स हैं, क्योंकि उसको लगा है कि उसकी चेस्ट पर से जैसे कुछ गया हो जिससे कि वो उठ गया। और फिर वो ये भी बताता है कि ये सेकंड टाइम है जब वो उठा है नींद से, मतलब वो सो रहा था एकदम से ऐसे वेकअप हुआ है, सेकेंड टाइम वो ऐसे उठा है। जब वो पहली बार उठा था तब उसको बहुत ज़्यादा शफलिंग सी आवाज़ आई थी, मतलब शफलिंग साउंड आई थी विंडो के पास से, तब उठा था। तो फिर शंकर बोलता है, शंकर पूरे रूम में देखता है, इधर उधर उसको कुछ नहीं दिखता। ठीक है, वैसे ही जैसे वो देख रहा होता है एकदम से जयंतो ने शाउट कर देता है, एकदम डर के मारे ऐसे शाउट करता है। और फिर वो दिखाता है एक टाइनी सर्कुलर मार्क, जो क्विल्ट होती है ना उसकी रजाई, उस पर दिखाता है एक टाइनी सर्कुलर सा मार्क्स, ब्राउन कलर का मार्क दिखाता है और वो डर जाता है। शंकर को दिख जाता है जयंतो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके फेस पर एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, तो वो उसको शांत करता है कि कुछ नहीं, ऐसी सिर्फ कोई भी कैट या फिर रैट गया होगा, तुम ऐसे ही लग रहा है, फिर तुम ऐसी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, इट्स ओके, हैव सम स्लीप, वो उसको सोने के लिए बोलता है। और फिर शंकर भी सो जाता है, बट जो जयंतो है उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल लग रहा होता है, वो सो ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं, ठीक है, और उसके फेस से उसको फेस पे देख के शंकर को पता चल जाता है कि उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है। देन मॉर्निंग में फिर वो ब्रेकफास्ट करके 9 बजे तक क्या करता है, फिर फोर्ट के लिए निकल जाता है, फोर्ट को देखने के लिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, जयंतो तो अभी भी अपनी ओल्ड मेमोरीज़, इस प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रखा था और सबसे ज़्यादा डॉल के बारे में सोच रहा था। ठीक है, और जो शंकर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने देखा जब वो फोर्ट पे गए उसको वहाँ पे एलिफेंट स्टैचूज, थॉर्न्स, बेड्स वो सब देखे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत इंजॉय कर रहा था ये सब। बट ऑन द अदर हैंड जो जयंतो था वो एकदम जैसे कि किसी मेमोरीज में बहुत खोया हुआ था, वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड खड़ा हुआ था, कुछ चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो शंकर ने ये देख के उसको बोला कि चलो वापस से सर्किट हाउस में चलते हैं, बल्कि शंकर का मन था कि वो वहाँ पे और रुके, लेकिन जयंतो को ट्रबल में देख कर उसने बोला कि चलो हम वापस चलते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर पुटिंग सम एफर्ट्स शंकर फाइनली पता ही लगा लेता है कि जयंतो को क्या हुआ था। जयंतो बताता है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि लास्ट नाइट उसको लग रहा था कि उसके वो चेस्ट के ऊपर से फ्रिट्ज़ी गया था, वो और कोई नहीं फ्रिट्ज़ी था जो लास्ट नाइट उनके रूम में था, और क्विल्ट पे भी फ्रिट्ज़ के ही फुटप्रिंट्स थे। शंकर ये सुनने के बाद थोड़ा पजल और परेशान हो जाता है, वो इसलिए परेशान नहीं होता क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फ्रिट्ज़ होगा, बल्कि वो इसलिए परेशान हो जाता है कि उसका फ्रेंड कितना ज़्यादा ट्रबल्ड में है और क्या क्या सोच रहा है और उसकी हेल्थ ना ख़राब हो जाए इसलिए। तो जयंतो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो शंकर उसको काम डाउन करता है और उसको शंकर ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो फ्रिज था तो चलो एक काम करते हैं, तुमने जहाँ पे फ्रिज को दफनाया था, ठीक है, जहाँ पे उसको बरेट करा था वहाँ चलते हैं दियोदर ट्री के नीचे, और वहाँ पे तुम खुद ही देख लेना वहाँ पे फ्रिज है या नहीं, तो तुम्हारा सारा वहम दूर हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हें रियलिटी दिख जाएगी। जयंतो भी शंकर के इस आइडिया के साथ एग्री कर गया था क्योंकि उसको भी देखना था कि वहाँ पे फ्रिज है या नहीं। तो उन्होंने लंच वगैरह लेके वो दोपहर में 3 बजे गार्डन के साइड चले गए। तो जब वो डियोडर ट्री के पास पहुँचे वहाँ पे शंकर ने एक गार्डनर देखा, उसने उस गार्डनर के साथ डील किया, मैं तुम्हें 5 रुपीज़ दूंगा और तुम्हें वो ग्राउंड में डिक करना है जहाँ पे हम बोलेंगे। तो फिर वो गार्डनर एग्री कर गया। देन जयंतो ने पॉइंट आउट किया कि कहाँ पे डिक करना है, तो वो गार्डनर धीरे धीरे डिक करने लग गया। देन सडनली वहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे उसको ना कुछ थोड़ी दूर तक तो उसको कुछ भी नहीं दिखा था पहले, ठीक है, और जयंतो बहुत ज़्यादा स्वेट भी कर रहा था, इवन वो अक्टूबर का मंथ था तब भी, ठीक है, वो गार्डन की तरफ स्टेयर करने लग गया कि उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, वो देखने लग गया, बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो जैसे ही उसको कुछ दिखा वो एकदम से उसने स्ट्रॉन्ग सी साउंड लाई, एकदम से स्ट्रॉन्ग साउंड निकाली, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जयंतो ने पॉइंट किया कि वहाँ पे सॉइल के नीचे कुछ है, गार्डनर भी अपनी ग्रिप छोड़ चुका था, ठीक है, और जो शंकर था वो भी बहुत ज़्यादा हॉरर और अमेजमेंट में उसको देख रहा था।
उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे 12 इंच लॉन्ग एकदम वाइट और परफेक्ट लिटल ह्यूमन स्केलेटन है, एक बेबी स्केलेटन वहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। वो सब एकदम से डर गए थे कि वहाँ पे तो फ्रिज होना चाहिए, और फ्रिज कोई ह्यूमन थोड़ी थी, वो तो एक डॉल थी, तो डॉल का स्केलेटन कैसे हो सकता है वहाँ पे। तो वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे ये देख के कि वहाँ पे तो एक ह्यूमन स्केलेटन है। स्टोरी और यहीं पे ख़त्म होती है रीडर्स। एंड एट लास्ट जब ये स्टोरी ओवर होती है तो रीडर्स को एक ना बहुत ही पजल सिचुएशन में छोड़ के जाती है, बिकॉज रीडर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अब नेक्स्ट हुआ क्या होगा, या फिर वो जो रूम में आई थी वो क्या सच में फिट्स थी या फिर कोई और था, और वहाँ पे स्केलेटन क्यों पाया गया, फिट्स का है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रीडर्स के मन में आते हैं ये स्टोरी पढ़ने के बाद, बिकॉज ये एक ओपन माइंडेड स्टोरी है जो अपने रीडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब इसके नेक्स्ट हुआ क्या होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।